बंदगी का जो आला मेराज है वो नमाज है, यानी तिलावत भी बंदगी है, अल्लाह का जिक्र भी बंदगी है, और आजिजी और इनकिसारी भी बंदगी है। लेकिन नमाज वो बंदगी है जिसमें अल्लाह ने सारी इबादतों को जमा कर दिया। भाई दरख्तों की इबादत वो क़याम में है खड़े हुए, पहाड़ों की इबादत वो कायदे की हालत में तशहुद में बैठे हुए, चार पाँव वाले जानवरों की इबादत वो हर वक्त रुकू में है, सांप और हशरातुल अर्ज और रींगने वाले जानवरों की इबादत वो हर वक्त सजदे में है, परिंदों की इबादत वो परों से उड़ रहे हैं, जबान से चहचहा कर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, सूरज और चांद की इबादत वो सजदा करते हैं, अश्शम्स वल कमर बिहुस्बान व नजम व शजर यसजुदान, ये सितारे और दरख्त सजदे में हैं, हर चीज इबादत में है, कुल्लुन कद अलिमा सलाता व तस्बीहा, हर चीज ने अपनी नमाज का तरीका पैटर्न अपनी तस्बीह के बोल सीख लिए हैं। वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्दो सना कर रही है, तुम उसे नहीं समझ पाते। लेकिन इंसान की नमाज में अल्लाह ने दरख्तों वाला क़याम भी शामिल कर दिया, चौपायों वाला रुकू भी शामिल कर दिया, पहाड़ों वाला कायदा भी शामिल कर दिया, रींगने वाले जानवरों का सजदा भी शामिल कर दिया, परिंदों की बोली और जिक्र और तस्बीह भी शामिल कर दी। इस नमाज में आजिजी भी हैं, इस नमाज में कुरान की तिलावत भी है, इस नमाज में अल्लाह का जिक्र भी है, इस नमाज में नबी पर दुरूद भी है, इस नमाज में इज्तिमाईयत भी है, इस नमाज में मसावात भी है, इस नमाज में उखुव्वत भी है, इस नमाज में मुराकबा भी है, इस नमाज में दुआ भी है। कायनात की सारी इबादतों को अल्लाह ने इंसान की नमाज में जमा कर दिया, तो बंदगी की जो मेराज है वो नमाज में है। इसीलिए तो फरमाया कि ये दीन का सुतून और पिलर है, नमाज आका की आंखों की ठंडक है, नमाज अल्लाह से डायरेक्ट ऑनलाइन होना है, नमाज बेहयाई और फहाशी से रोकने वाली है, नमाज में अमर बिल मारूफ भी हैं, नमाज में नहीं अनिल मुनकर भी हैं, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, बादशाह हो वजीर हो मुशीर हो या कि आम सिपाही हो, आर्मी चीफ हो या कि मामूली सा सिपाही हो, पढ़ा लिखा हो या कि बिल्कुल कोरा और जाहिल हो, खूबसूरत हो कि बदसूरत हो, मोटा हो कि पतला हो, कॉटन पहने हुए हो या 200 वाले सूट में हो, ब्रांडेड घड़ी पहनकर आए या मामूली घड़ी पहनकर आए, इस सफ में एक साथ खड़ा होना है, एक तरफ मुंह करना है, एक इमाम की इक्तिदा करनी है, एक पैटर्न पर नमाज पढ़नी है। उखुव्वत इसको कहते हैं। चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। ये नमाज मामूली चीज नहीं है। कभी इस इस्तेहजार के साथ हम मस्जिद आए हैं।